हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो एक ट्री लगाने जा रहे हैं हम, जो हमें गिफ्ट में मिला। सॉरी, रश्मि पापा की हेल्प कर रहा है। तो अभी सुबह का टाइम है, धूप अच्छी आई है, हमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तो इसके पीछे लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे पहले एक पौधा था, तो वो कट गया था, लेकिन उसकी जो नीचे वाली जो रूट्स है वो बहुत सख्त थी, तो पहले इसको निकालना है, तो फिर दूसरा पौधा लगाना है। तो फ्रेंड्स, ये गिफ्ट हमें मिला आज सुबह सुबह ही। तो ये एक सब्जी वाले अंकल आते हैं, तो कब से मेरे को बोल रहे थे कि मैंने एक लगाठ हुआ, जो लगाठ आपको पता ही है, जो फल है एक लगाठ, तो वो लगाठ का कहने लगे कि मैंने उगाया था अपने घर में, प्लास्टिक के टब में उगाया था ये पौधा, और बहुत बड़ा हो गया। तो अब जो टब है वो भी टूट रहा है हमारा, तो हमारे घर में जगह नहीं है, तो आप अपने इधर लोन में लगा लो इसको। तो मैंने बोला आप ले आना, उन्होंने बोला आप जगह बना के रखना। तो फिर अंकल भूल गए थे, आते डेली हैं वो, तो आज वो सुबह सुबह अपने बेटे को लेके आए थे। आज सब्जी बेचने नहीं आते संडे को, तो संडे को स्पेशली ये हमें देने आए हैं। तो ये हमने लगा दिया आज इसके अंदर, तो भगवान करे ये अभी अच्छे से लग जाए, सूखे ना, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया था ये। तो यहाँ इसकी जगह बनाई अभी हमने। तो आज ये हमें गिफ्ट मिला संडे को सुबह सुबह, बहुत ही प्यारा सा। तो फ्रेंड्स, ये वाली जगह हमने इसके लिए बनाई है कि अगर बड़ा हो जाएगा अच्छे से, तो आधा बाहर की तरफ भी जा सकता है, तो आधा अंदर रहेगा। तो ये देखिए, उनके घर में ये इस पे लगाठ लगने भी लग पड़े थे। तो अभी देखते हैं हमें ये लगाठ खिलाता है कि नहीं, उग जाए बस, अच्छे से लग जाए ये। तो अभी मैं यहीं बैठी हुई हूँ, और यहाँ बैठ के मैं छील रही हूँ संतरे, क्योंकि अभी नाश्ता बनाना मुझे, तो साथ में जूस निकालना है। तो बाहर आ गया था सब्जी वाला, तो सब्जी ले ली मैंने। तो ये जिन्होंने पौधा दिया वो नहीं थे, ये कोई और सब्जी वाले हैं, उनसे ले ली सब्जी। और सौरिश को बोला पैसे दे दो, उसने ऊपर से पैसे दे दिए मुझे ला के। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं चली गई थी किचन में और बनाने लग पड़ी थी नाश्ता। नाश्ते में आज सैंडविच बन रहे हैं, क्योंकि सौरिश के फेवरेट है ये, तो वही अब बन रहे हैं, पनीर सैंडविच बनाए हैं। तो सौरिश के पापा अभी और भी, उनको काम करना है लोन में, तो वो नहाए नहीं है। तो अभी फ्रेंड्स, थोर जा रहा है अपने छत के ऊपर, तो यहाँ से होके जाता जे, तो अग्रिम लेके आ गया इसको, और सौरिश भी पीछे पीछे। अब जब तक थोर छत पे रहेगा, सौरिश भी इसके साथ ही रहेगा। अभी 3 बजे हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े, वो भी पालक के। तो ये मैंने घोल तैयार कर लिया, और ये इमली तो निकाल के बीज सारा रख लिए इसको, और अभी इसकी चटनी बनानी है पहले मुझे। तो ये प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चे, तो ये सब इसके अंदर डाल दूंगी अभी। तो फ्रेंड्स, आज लंच नहीं कर रहे, तो अगर लंच कर लेते फिर पकौड़े खाने का मन नहीं करना था, इसलिए यही बना रहे हैं पकौड़े अभी। और अभी ये नमक और चीनी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, क्योंकि इमली खट्टी बहुत होती है। और साथ ही साथ मैंने मूली को कद्दूकस करके निचोड़ लिया, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर, तो ये डाल दूंगी इसके अंदर अभी। और एक चीज़ अभी रह गई है, वो है पुदीना, तो खुशबू के लिए अच्छी सी, तो पुदीना भी चटनी में बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं नीचे जा रही हूँ अभी। अभी छोटी छोटी पत्तियाँ आई है, तो 2-4 पत्तियाँ ये मैंने तोड़ ली अभी।
तो पुदीना भी डाल दिया। अब मेरी चटनी कंप्लीट हो गई। तो अब कढ़ाई मैंने रख दी हुई है, गर्म हो गई थी तो पकोड़े डाल दिए। फ्रेंड्स, पालक मुझे थोड़ा कम लग रहा था, थोड़े ग्रीन ग्रीन से नहीं बने, तो ये अभी सौरिश के पापा ने ले लिया अपने पकोड़े और वो चले जा रहे हैं बाहर बैठ के खाने के लिए। और फ्रेंड्स, पकोड़े खाने के बाद ये शाम का टाइम अभी, और पहले हमने चाय नहीं पी थी, अभी मैं चाय लेके आई हूँ, साथ ही साथ सौरिश का दूध। और सौरिश बाहर था, आ नहीं रहा था अंदर, तो ज़बरदस्ती लेके आई हूँ कि पहले दूध पी लो, फिर ये खेलने लग पड़ेगा बच्चों के साथ। तो इसको तो सब कुछ खाना, दूध बस खींच खींच के बिठा बिठा के खिलाना पड़ता है, तो ऐसा ही है, ये खाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता ये। और अभी थोर का टाइम हो गया घर जाने का, और जा रहा अग्रिम उसको लेने आ गया अभी। चाय पी लिया हमने और ये इधर थोड़ी धूप थी, यहाँ पे बैठ के फोन अपना देख रहे हैं। सॉरी, चला गया बाहर खेलने, बच्चे भी आ गए हैं, तो मैं भी एक बार बच्चों से मिल लेती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ स्टार्ट अपना। दिव्यम, और ये पहली बार हमारे ब्लॉग में आ रहा है दिव्यम, और ये है कृष्णा। कृष्णा कृष्णा भी पहली बार आ रहा है। और ये देखिए, इन्होंने ये क्या बनाया, ये क्या, ये देखिए इनकी बॉल जाने की सेफ्टी की, आगे ना चली जाए प्लॉट में। और कीपरिंग भी, इसके साथ बॉल लगेगी तो आउट नहीं, अच्छा ठीक है। ये इनकी विकेट, और हैरी, हाय हैरी, चलो स्टार्ट अभी गेम। तो बच्चों की गेम स्टार्ट होगी, मैं आ गई अंदर, और ये देखिए इन्होंने गुड़हल की भी कटिंग कर दी है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने बोला इसकी कटिंग क्यों की है, तो इन्होंने कहा काफ़ी बढ़ जाएगा फिर से ये थोड़े दिनों में। तो ये देखिए कितनी सारी कटिंग कर दी है, और जो सुबह ये वाला पौधा लगाया था वो अभी तक तो अच्छा है, ये भगवान करे ऐसा ही रहे हरा भरा। फ्रेंड्स, अभी मैं ऊपर आ गई हूँ, तो जैसे ही मैंने टीवी ऑन किया तो जो आप सबको पता है उत्तराखंड में हुआ, तो वही सब देख रही हूँ, और आशा कर रही हूँ कि भगवान करे ज़्यादा नुकसान ना हुआ हो। तो अभी नुकसान का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्या हुआ क्या नहीं, तो भगवान करे सब ठीक ठाक ही रहे, ज़्यादा तबाही ना हो इससे। तो वही सब देख रही हूँ, और मन थोड़ा उदास भी हो रहा देख देख के, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, तो बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर लिए फ्रेंड्स, अभी मैं चलती हूँ नीचे, तो देखती हूँ क्या चल रहा है नीचे। सौरिश के पापा ने जो गुडाई की थी लोन में, उन सबको अभी पानी दे रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स, ये सामने लगे थे पड़ोसियों के अमरूद, और ये तो खाते नहीं हैं, हम बाहर से तोड़ लेते हैं, तो तीन चार थे तो अग्रिम ने तोड़ लिए, और एक एक आ गया, लेकिन एक दो बच्चों को मिला भी नहीं है। तो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स मैं भागती हुई आई हूँ क्योंकि इन्होंने पिल्लो और मंजा दोनों ही गीले कर देने थे, तो मैंने सोचा फटाफट उठा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये इनका फेवरेट काम है, मोटर ऑन की और पाइप को पकड़ लिया, बस फिर हर जगह जो धो देते हैं। तो ये इन्होंने बच्चे खेल रहे थे, अब सारा गली में पानी पानी कर दिया। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं चली गई थी छत पे और बना रही थी रात का खाना। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई अपने रूम में अपना खाना लेके, क्योंकि सौरिश और सौरिश के पापा ने खाना खा लिया और दोनों देख रहे टीवी और मैं इधर बैठ के खाना खा रही हूँ। आज सिंपल सा खाना दाल चावल मानी बनाया, तो फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए। तो आपसे मिलती बाद में फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक दो चक्कर लगा लिए खाना खाने के बाद। तो बर्तन साफ़ नहीं किया आज मैंने, मेरे हल्की हल्की सी सिर में दर्द हो रही है। और इसी के साथ ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना, अपनी फैमिली का, बच्चों का ध्यान रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।